दिल्ली के अलीपुर रेजिडेंशियल इलाके में एक घर के अंदर पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, साथ ही 4 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक मृतकों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, वहीं घायलों को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया है। कुछ देर पहले घटनास्थल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और वहां का जायजा लिया, साथ ही पीड़ितों के परिवार से भी मिले। वहीं पीड़ितों के लिए मुआवजे की बात भी कही है, सुनिए। आसपास के इलाके में सारे में आग लग गई, आसपास की दुकानें, आसपास के घर कईयों में आग लग गई। भैया मोबाइल पीछे होना यार, 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हर एक के परिवार को हम लोगों की संवेदना है और हर एक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। किसी की भी मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अपनी तरफ से हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। जो घायल हुए हैं माइनर इंजरी, 2 की माइनर इंजरी थी उनको 20-20 हज़ार रुपये, और जो 2 की मेजर इंजरी थी उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और मकान के अलावा जो मकान और घर जल गए हैं उनकी सरकार की पॉलिसी है, आकलन कराएंगे। मैंने DM को बोल दिया और जो नुकसान हुआ है वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनका भी नुकसान की भरपाई की जाए। 2 मुद्दे और निकल के आ रहे हैं, एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड भी वो लेट आई थी। उधर दिल्ली के CM ने खुद एक एक पीड़ित से जाकर बात की और उनकी परेशानी को सुना। वहीं मुआवजे की बात सुनकर पीड़ितों को मदद का आश्वासन भी मिला है। अपने सहयोगी अनिल अत्री के साथ मरियम अली, दिल्ली।